तो लड्डू कर रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आज है 2 मई, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। और क्या नाम है, लड्डू अपना एंजॉय कर रहे हैं, बाथटब में नहा रहे हैं। और क्या नाम है, फिर देखिए मैं कपड़े वपड़े प्रेस कर रही थी, वो रखे हुए हैं। और साथ में ये बैग रेडी हो गया कहीं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं, कोई ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रही हैं आगे आप मेरी वीडियो में बने रही है, लास्ट एंड तक देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो लड्डू आराम से 5-10 मिनट इसके अंदर इंजॉय करेंगे, इसी तरह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। चलिए आगे मिलती हूँ मैं आप लोगों से ना मिलाने के बाद। शाम शाम पहना के लेके जाती हूँ, बट आज मैं इनको बिल्कुल सिंपल लेके जाऊँगी क्योंकि गर्मी सोए वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा बच्चा कहना है, इनका ना मेकअप ना ये जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे गिरे थे ना, यूँ मुँह के बल ऐसे गिरे थे, तो ये वहाँ वहाँ से ही हो गए हैं, इनका मेकअप छूट रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए देखो कैसे ऐसे बच्चा जैसे गंजा हो जाता है ना वैसे गए। तो चलिए मैं इनकी जो टीका इनका वो लगा दे रही, थोड़ा सा मैं अपने बच्चे की जो होट है वो पिंक किस कर दे रही हूँ सब। ठीक है तो चलिए मिलते हैं आप लोग, कितने क्यूट लग रहा है ना मेरा बेटा। इस हाथ की पूरी चूड़ी पहन ली, इस हाथ में आधी चूड़ी पहन ली है, और मैं इतनी देर से बोले जा रही और वीडियो मेरी ऑन ही नहीं थी। तो देखिए ये वाली चूड़ियाँ पहन रही हूँ मैं, ऑलमोस्ट मैं रेडी हूँ। और इन कड़ों के साथ मिला के मैचिंग का पहन रही हूँ, और ये इतने ज़्यादा पुराने कड़े हैं ना मेरे, बट फिर भी अभी तक इसका एक रंग नहीं। और इस वाले कड़े को तो मैं डेली बेसिस में भी पहनती हूँ, आप लोगों ने मेरी कई वीडियो में देखा भी होगा, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, मुझे रेड से ज़्यादा ना मैरून कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या नाम है, मैं तैयार हूँ हस्बैंड को। आज तक नहीं पहुँचे हैं, जो टाइम में बताते हैं। और देखिए हमने चूड़ियाँ पहन ली हैं, ठीक है। और ये मैरून कलर की कुर्ती मैंने पहनी है ये, तो और ये वाली चूड़ी पहन ली है। और जो भतीजी मेरी गिफ्ट लेकर आई थी ना माला का, वो देखिए मैंने माला वो वाली आज ये वाली वेयर करी है, ठीक है। और ये तो मैक्सिमम गले में मेरे डेली ही बेसिस पर मेरा ये पड़ा रहता है गले में। और ये मंगलसूत्र मैं पहनते थे आने जाने में लॉन्ग वाला, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी ही होने वाली हूँ, ठीक है। बाल बाल सारे सुलझा लिए हैं, तो लड्डू खा रहे हैं मेरे खाना, और लड्डू खाना खा रहे हैं, उनको खाना खिला दिया है मैंने। और क्या नाम है, यहाँ पे मैंने कहा जब तक मैं अपनी छोटी मोटी तैयारी करके रखती हूँ, और आएँगे वो खाना ना खाएँगे वो खुद भी रेडी होंगे, तो जब तक मैं रेडी हो जाऊंगी क्योंकि ये गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मेकअप तो करना पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ फोर व्हीलर वगैरह में हो तो चलो कर भी लो, बट बाइक पे तो, और फिर बाइक पे तो वैसे भी एक तो हेलमेट लगाओ मास्क लगाओ वैसे ही क्या नाम है, फिर वो मेकअप वैसा हो जाता है। तो मेकअप तो वैसे डेली बेस में करती हूँ ना, वैसा ही करूँगी। और ये देखिए, और आज ना मैं शॉपिंग भी करूँगी, तो हो गया ना, तो मैं कहना है आप लोगों से वो वाली वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। इस तरह का मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं आप लोगों को बताऊँगी नहीं, वो लोग मैं आप लोग बाद में ही देखिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगे मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। वैसे तो बहुत मेहनत करती हूँ मैं वीडियो पर कि व्यूज़ वगैरह अच्छे आए, जैसे पहले आते थे, मतलब मेरा चैनल काफ़ी मतलब टाइम हो गया, मुझे होप थी कि क्या नाम है हो जाएगा कुछ, एक साल तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और एक साल होने भी वाला है बट शायद, तो देखते हैं। बताइएगा आपको मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी, मुझे तो ये वाला कलर ना मुझे बहुत पसंद है जो कुर्ती का है, और क्या नाम है ये वाला जो चूड़ियाँ ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
और प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए, बताइए और प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए और बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या किस तरह से लगती हैं, आप लोग किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे वो शेयर कर सकते हैं कि तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं अपने बाल इस तरह से मैं सुखा रही हूँ और इस तरह से तो नहीं जाती बाइक पे क्योंकि बाल जो है ना वो ख़राब ही हो जाते हैं, तो मैं गुथ करके जाती हूँ क्योंकि जोड़ा बना नहीं सकती क्योंकि हेलमेट लगता है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है मुझे हेलमेट। वैसे खैर हाँ, सेफ्टी पर्पज़ बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सेफ्टी है इसमें अपनी ही, बट फिर भी। और मास्क का तो ये है, धूप वूप में जाते हैं ना तो काफ़ी कर रहे, तो वो मतलब एक घुटन सी हो जाती है उसके अंदर। अगर तो यहाँ जहाँ हमें जाना था वहाँ पहुँच चुके हैं, मैं आपको आगे बताऊँगी कि हम लोग कहाँ गए। ये हम रुके थे मिठाई की दुकान पे, तो यहाँ से हम ले रहे मिठाई, कौन से थे, कितनी अच्छी अच्छी मिठाई थी ना, कितनी अच्छी मट्ठी वगैरह थी, तो मैं आप लोगों से दिखा रही थी। और क्या नाम है, हमने मिठाई ले रहे थे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी ये वाली वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो इस तरह की वीडियो ना मेरी फ़र्स्ट वीडियो ही जा रही है जो मैंने कहीं की वीडियो बनाई है। बाकी मैंने कपड़े वपड़े भी मुझे लेने थे तो वहाँ मैंने वीडियो बनाना ठीक नहीं समझा, और मैं मतलब मार्केट भी गई थी, ऐसा लोकल बाज़ार में गई थी वहाँ पर, तो वो भी मैंने आप लोगों से यहाँ पे शेयर नहीं करा। सिर्फ मैंने एक मतलब फ़ोटो खींची थी यहाँ पर एयरिंग्स की, वो कलेक्शन मतलब एयरिंग्स की, वो मैंने इसमें मतलब लगा दिया, ना चलो ये तो लगाते रहे। यहाँ पर हमने ली थी मिठाई काजू कतली, और क्या नाम है, देखिए आप पास दिखा रहे हैं। अच्छा यहाँ हम आ गए, मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर पे, तो यहाँ पर हम आकर बैठे हैं, पानी वगैरह पिया, उसके बाद ये लग गया नाश्ता, तो मम्मी लगा रही हैं, सर भाई कर रहा है यहाँ पे, जो प्लेटें वगैरह रखना है ये सब भाई रख रहा है। तो ये क्या नाम है, ये नाश्ता वगैरह लग रहा है, यहाँ पर हम चाय वाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, और हो इतना सारा लगता है कि खाता कोई नहीं। और ये एक कटोरी में अलग से लड्डू के लिए, लड्डू के लिए अलग से नाश्ता जो है सारा वो निकलेगा, और उसके बाद और पगलेट आदमी के साथ पगले देखो, हाय करो, हाय गाइस बोलो। और यहाँ पे लड्डू का रखा है नाश्ता भी, और लोटी चोको पाई भी इनके लिए रखा हुआ है अलग से। और क्या नाम है, देखिए मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ, ये मेरे भाई की फ़ोटो है छोटे पे, तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पर ये फ़ोटो। और इसके बाद हम नाश्ता वास्ता करके यहाँ से थोड़ी सी देर बैठ के, क्योंकि शाम को ही पहुँचे थे, फिर हम गए थे यहाँ से बाज़ार कपड़े देखने के लिए, फिर कपड़े वपड़े मुझे मतलब वहाँ पे जो मुझे चाहिए था वो पसंद नहीं आए। उसके बाद मैंने ऐसे लोकल मार्केट में ही शॉपिंग करी थी, ग्लिटर वाले नेल्स हैं, फेक नेल्स हैं ये, और ये काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइस पे मिले थे। और ये ऐसे लोकल मार्केट से वाली कलर की मैंने ली थी नेल पेंट, तो वो मैं आप लोगों से दिखा रही थी। और ये एक मैंने लिए थे, एक जोड़ी यहाँ पर ईयरिंग्स लिए थे, यहाँ पे एक जोड़ी नहीं लिए थे, कई जोड़ी लिए थे, तो मतलब भूमि के लिए और लिए थे, मतलब भूमि ने मंगाए थे, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करे। तो होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, तो आप मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और लास्ट में मैंने वो वाली क्लिप भी ऐड कर दी है जहाँ से मैंने ये इयररिंग्स लिए थे, देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं।